राजस्थान के तमाम 1,10,000 संविदा कर्मी सा चिकित्सा मदर सपरा टीचर है नरेगा लेकर सा पंचायत शिक्षक विद्यालय सा शहरी रोजगार गारंटी आज उनके परिवार के साथ में 1,10,000 साथिया पधार चुके हैं और सरकार सदन में पंचायती करेगी। वे सड़क पर बैठ के पंचायती करेंगे। हम देखते हैं इनका सदन कितने दिन चलता है। जो संविदा से संविदा कुएं से बावड़ी उठाने का डालने का काम राजस्थान सरकार ने किया है। AICC के ट्विटर हैंडल से झूठ बुलवा दिया राहुल जी से प्रियंका जी से मान्य अशोक गहलोत जी ना करोड़ों रुपए सूचना जनसंपर्क विभाग के अखबारों में ये कहकर खराब कर दिए कि 1,10,000 संविदा कर्मी स्थायी कर दिया, जबकि संविदा के नाम पर ये काला कानून है। इसलिए हम लोगों ने प्रण लिया है या तो ये ग्रेड पे देकर तमाम तरीके से इन संविदा कर्मी को स्थायी करें, अन्यथा 24 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम दिया संगठन ने। 24 घंटे बाद में क्या रूपरेखा रणनीति रहेगी उसके इंतजार करिए। रामजीत पटेल संयोजक पंचायत शिक्षक संघ प्रवक्ता सिंह संविदा। हमने स्पष्ट तौर पर कहा है डेलीगेशन चाहे 10 बार बुलाओ चाहे 2 बार बुलाओ, उनके पिटारे में कुछ है ही नहीं कि वो हमें कुछ दे सके। फिर भी एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है, वार्ता के दरवाजे खुले रहने चाहिए। तो हमने कहा है कि चुनावी साल में सरकार है, कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष ने वादा किया था कि 100 दिन में सरकारी दस्तावेज बना देंगे, लेकिन वो सरकारी दस्तावेज 4.5 साल तक एक रद्दी का टुकड़ा बन के निकला, कल्ला कमेटी का पता नहीं चला। तो इसलिए हमने कहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी पार्टी के मुखिया हैं और माननीय अशोक गहलोत जी, दो व्यक्तियों से हमारा डेलीगेशन मिल रहा है, किसी से नहीं मिल रहा है अगर मुलाकात होती है तो, क्योंकि माननीय सुखजिंदर जी रंधावा साहब राजस्थान के जो प्रभारी है और डोटासरा जी इस मामले को लेकर देख रहे हैं कि राजस्थान में आने वाले चुनाव सरकार कैसे बनाई जा सके, तो उन दोनों को हमने नाम दिया है, अन्यथा हम तो बैठे ही हैं स्पष्ट तौर पर जब तक हमारा काम नहीं होगा, कोई ठोस निर्णय तक नहीं पहुंचेगा।